हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड माइंड ब्लोइंग है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका समर्स में भी मेकअप एकदम फिक्स रहे और पसीना ना आए ज़्यादा, सो किस तरह से आज मैं एक अमेजिंग बेबी जॉनसन बेबी पाउडर या कोई भी बेबी पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, ये बेबी पाउडर ब्यूटी हैक है एंड सारे हैक ज़रूर देखिएगा, दे आर माइंड ब्लोइंग एंड ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या ये एग्जैक्टली काम करते हैं। सो टिल द टाइम यू विल नॉट ट्राई इट, आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि दीज आर सो अमेजिंग। एंड पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक, आपको पता चलेगा कि हाउ यू कैन डू दिस। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, देयर आर सम पीपल जो पूरा वीडियो देखते नहीं और पहले से ही और ट्राई भी नहीं करते हैं एंड पहले से ही बोलते हैं क्या बकवास है, क्या आप बता रहे हैं ये वो। ट्राई इट आउट बेब, अरे यार ट्राई तो करो पहले, तब आपको पता चलेगा कि क्या ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट यूज़ ऑफ बेबी पाउडर। और बेबी पाउडर को हम एक्चुअली गर्मी में क्या होता है, जब भी हम बेस मेकअप करते हैं बहुत पसीना आता है और छूटने का डर होता है, सो स्किन काफ़ी पसीने स्वेटी दिखती है। सो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप अपना बेस लगा लीजिए, प्राइमर लगाइए, उसके ऊपर अपना फाउंडेशन या BBCC क्रीम जो लगाना चाहते हैं वो लगाइए। और तो मैं वो पूरा फेस पर लगा रही हूँ। लगाने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। जब आपका पूरा बेस मेकअप ब्लेंड हो जाए तो उसको हमें करना है सेट, और सेट करने के लिए हम बेबी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी आपका पसीना ज़्यादा आता है वहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं, सो अंडर द आईज़, चीक्स पे या फिर टी जोन एरिया, और जहाँ भी आपको लगता है कि पसीना ज़्यादा आएगा तो वहाँ पे लगाना है इसको विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। बेबी पाउडर वर्क करता है एज अ ट्रांसलूसेंट पाउडर जो आपके मेकअप को सेट करने में काफ़ी मदद करता है। सो उसको रखने के बाद एटलीस्ट फॉर 2 to 3 minutes देन आप उसको वाइप आउट कर सकते हैं। सो धीरे से आप ब्रश की मदद से इसको झाड़ लीजिए एंड आपका मेकअप काफ़ी स्मूद होगा, स्किन बहुत ही स्मूद दिखती है एंड मेकअप भी फ्लॉलेस होता है, बेस मेकअप फ्लॉलेस दिखता है। सो कमिंग टू ब्यूटी यूज़ टू, सो बहुत लोगों के पास आईब्रो पाउडर फॉर्म में नहीं होता है, सो मोस्टली पीपल यूज़ आईब्रो पेंसिल। और गर्मियों में ऐसा होता है कि पेंसिल भी काफ़ी ग्रीसी हो जाती है एंड छूटने का डर ज़्यादा होता है। सो अगर आपके पास पेंसिल है तो आप इस तरह से आईब्रो पेंसिल लगा सकते हैं। अपने ये स्कूपी ब्रश है और इससे मैंने पहले अपने आईब्रोज़ पे थोड़ा सा पाउडर लगा लिया है कि कोई पसीना ना हो और आईब्रोज़ को सेट कर लिया है। देन आप आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से शार्पन करके देन यूज़ करें एंड अपने आईब्रोज़ को फिल कर सकते हैं। इससे जो आपकी पेंसिल होगी वो स्मूदली और बहुत स्मूदली चलेगी आपके आईब्रोज़ पे और बिल्कुल क्रीमी, जो जितनी क्रीमीनेस होती है वो नहीं रहेगी एंड एक पाउडर्ड, जिस तरह से पाउडर काम करता है उस तरह से आपकी आईब्रो पेंसिल काम करेगी। सो फुल आईब्रो फिल करने के बाद पेंसिल से आप इसके ऊपर फिर से इस पाउडर को लगा सकते हैं, जिससे आपका जो आईब्रोज जो आपने ऊपर सेट किया है वो एकदम सेट रहेंगे। सो पेंसिल जो यूज की है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट इज़ ब्यूटी यूजेस 3, और ब्यूटी यूज 3 में मैं यहाँ पे काजल का यूज़ कर रही हूँ और गर्मियों में स्पेशली बहुत पसीना आता है और मैं लक्मे आइकॉनिक काजल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। सो क्या होता है, काजल बहुत ज़्यादा फैलता है गर्मियों में, सो बेस्ट तरीका यही है कि आप पहले काजल को थोड़ा थोड़ा लगाएँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएँ, एक लेयर लगाएँ और फिर लें एक ईयरबड्स होते हैं ये, तो उनको लेना है, क्यू टिप्स हैं ये, तो उसी के ऊपर बेबी पाउडर को लगाना है। और इससे क्या होगा कि आपका जो काजल है वो एकदम फिक्स हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं मेरी फिंगर, मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा रही हूं, तो फिंगर में बिल्कुल भी लगकर काजल नहीं आएगा, आप
सो जो काजल है वो भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा एंड इट विल स्टे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. नाउ ब्यूटी यूज फोर है, ब्यूटी यूज फोर ऑफ बेबी पाउडर ये है कि अब मैं लगाने वाली लिपस्टिक, एंड काफ़ी लोगों के पास लिक्विड लिपस्टिक या मैट लिपस्टिक्स नहीं होते हैं, नॉर्मल ये बुलेट लिपस्टिक्स होती हैं इस तरह की और क्रीमी होती हैं काफ़ी, और गर्मियों में जब मेकअप करते हैं तो फैल जाती हैं और छूटने का भी ज़्यादा डर होता है. तो इस तरह की अगर आपके पास भी लिपस्टिक हैं और आप उनको यूज़ करना चाहते हैं समर्स में, सो ये बेस्ट तरीका है. सो सबसे पहले मैं अपनी इस लिपस्टिक को लगा ले रही हूँ. ये स्ट्रे क्यूर्की की लिपस्टिक है एंड काफ़ी क्रीमी भी है. सो लिपस्टिक लगाने के बाद अब मैं सेम क्यू टिप या ईयरबड को लेंगे हम, और थोड़ा सा ये जो पाउडर है बेबी पाउडर उसको लेंगे और लिप्स पे प्लेस कर देंगे इस तरह से, और फिर आप इसको जैसे लिपस्टिक को ब्लेंड करते हैं या फिर फैलाते हैं उसी तरह से इसको करना है. एंड आप देखेंगे आपकी लिपस्टिक एकदम से मैट हो जाएगी और इवन ट्रांसफ़र प्रूफ भी हो जाएगी. सो एक लेयर लगाने के बाद मैं दूसरी लेयर और लगा रही हूँ कि और मेरी लिपस्टिक एकदम फिक्स हो जाए, मैट हो जाए. और अभी आप देखो मैं फिंगर से डैप कर रही हूँ. सो नाउ मेरी लिपस्टिक जो है वो ट्रांसफर प्रूफ हो गई है एंड मैट भी हो गई है. नाउ ब्यूटी यूज 5, और ये है कि गर्मियों में हम मोस्टली, मेरे साथ तो यही होता है कि हेयर वॉश करती हूँ उसके नेक्स्ट दिन ही मेरी स्कैल्प इतनी ऑयली ग्रीसी लगने लगती है कि ऐसा लगता है कि हेयर वॉश ही नहीं किया है. सो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है तो आप अगर चाहते हैं कि आपके बाल थोड़े अच्छे दिखें या फिर कहीं जाना है और इमरजेंसी में ऐसा करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके बाल ग्रीसी नहीं दिखेंगे. सो आप क्या कर सकते हैं, इस बेबी पाउडर को अपने रूट्स पे लगा लीजिए, उसको हल्का हल्का लगाना है और फिर उसको ब्लेंड कर लीजिए. सो क्विकली ब्लेंड भी हो जाएगा और बहुत पाउडरी भी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी पाउडर लगाया है. सो हल्का हल्का बिल्कुल लगाना है, बहुत ही लाइट, एंड ये काफ़ी लाइट पाउडर होता है तो ईज़िली ब्लेंड हो जाता है, समझ में नहीं आता कि कुछ लगाया है. सो इस तरह से आप अपनी ग्रीसी स्कैल्प को एकदम फ्रेश कर सकते हैं और आपके हेयर भी काफ़ी, मतलब ऐसा लगेगा कि अभी वॉश किया है. सो जो स्टिकीनेस है वो कम हो जाएगी. एंड लास्ट में दिस इज़ ओवरऑल कंक्लूजन, जो मैंने जितना भी अभी मेकअप किया है दिस इज़ लाइक कि ये अभी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो गया है एंड ट्रांसफ़र प्रूफ हो गया. तो मैंने जो भी बेस लगाया है, मैं टिशू पे भी अगर पसीना भी आ रहा है और उसके ऊपर प्रेस करेंगे टिशू से तो उस पर लगेगा नहीं आपका, भाई बेस मेकअप भी बिल्कुल नहीं लगेगा. आप देख सकते हैं मेरे टिशू में बिल्कुल भी कोई भी फाउंडेशन नहीं लग रहा है. तो ये था आज का वीडियो, होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूज़फुल लगा हो. ट्राई ज़रूर करके देखिएगा और मुझे ज़रूर ट्राई करके बताइएगा कि कौन सा हैक आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल था और कौन सा रियली वर्क किया आपके लिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय.